हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स जीके। दोस्तों, आज हम इस चैनल में मार्च 2018 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किस महान शहीद स्वतंत्रता नायक के केस से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की है? आंसर है भगत सिंह। सेकेंड क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न घर हाल ही में 34 साल के अंतराल के बाद खोला गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के 60 राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया है? आंसर है रूस। नेक्स्ट, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर है शेखर कपूर। नेक्स्ट, हाल ही में सुजुकी ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में एक दूसरे के वाहन बेचने का निर्णय किया है? आंसर टोयोटा। नेक्स्ट, म्यांमार के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? विन मिंट। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रकार के अधिकारियों को पासपोर्ट जारी न किए जाने के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? भ्रष्ट सिविल सेवा अधिकारी को। नेक्स्ट, शहजान हसन का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। नेक्स्ट, हाल ही में मेसले नित्सा फेस्टिवल कहां पर मनाया जा रहा है? रूस में, रशिया में। नेक्स्ट, प्रकाश के विवर्तन की खोज किसने की थी? भारतीय भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 3 मार्च 1928 में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने बजट में जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की गई? आंसर है हिमाचल प्रदेश। पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में खोला जाएगा? अजमेर में। हाल ही में पहली बार किस आईआईटी संस्थान ने विदेश जाकर इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? आईआईटी खड़गपुर ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की घोषणा की है? 62 वर्ष। एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य को युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए $80 मिलियन का ऋण दिया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने संगठित अपराध से निपटने हेतु महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून की भांति ही मकोका कानून पास किया है? उत्तर प्रदेश। सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं हेतु वीरता पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। किस राज्य की विधानसभा ने विधायकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए हाल ही में एक बिल पारित किया है? केरल। स्कूल शिक्षा के लिए नई एकीकृत योजना के लिए कौन सा सरकारी विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस हेड कोच ने 29 मार्च 2018 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? डेरेन लेमन। नेक्स्ट, कौन सा खाद्य तेल प्रतिबंध मुक्त निर्यात की सूची में शामिल नहीं किया गया है? सरसों। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नहलन्हा नेने को। प्रदूषण के किस रूप के समाधान के लिए भारत ने दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के साथ SSCEP समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेल और रासायनिक प्रदूषण। हाल ही में किस मंदिर में मोबाइल लेकर आने पर रोक लगाई गई है? मीनाक्षी मंदिर में। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर विकास परिषद की विशेष विकास परियोजना को SDE मंजूरी दी है। इस नई योजना के तहत केंद्र सरकार कितना योगदान करेगी? शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती कौन थे? शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती तमिलनाडु में कांची कामकोटी पीठ के प्रमुख थे। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना।